दिल्ली की आठवीं मुख्यमंत्री बनी आतिशी, पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ। एलजी विनय सक्सेना ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण से पहले केजरीवाल के आवास गई थी आतिशी। आतिशी की कैबिनेट में शामिल पांच मंत्रियों ने भी ली शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। राजनिवास पर आयोजित आतिशी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। शपथ लेने के बाद केजरीवाल के पैर छूकर आतिशी ने आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया लेकिन वो टूटे नहीं। फरवरी में चुनाव है, हमें केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। आतिशी कैबिनेट में मंत्रियों को आवंटित हुए विभाग, शिक्षा वित्त सहित 13 विभाग आतिशी के पास, स्वास्थ्य सहित 8 विभागों की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज को, गोपाल राय को पर्यावरण, कैलाश गहलोत को ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मा दिया गया। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित रह चुकी हैं दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। 43 साल की आतिशी सबसे युवा मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल। दिल्ली में आज से शुरू हुई आतिशी की पारी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट आतिशी। कालका से विधायक आतिशी 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। 2020 में पहली बार एमएलए चुनी गई है। 2023 में केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री बनी। केजरीवाल कैबिनेट में 14 विभागों की मंत्री रही हैं आतिशी। दिल्ली में नई सरकार के गठन पर बोले दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का, जैसे मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए सोनिया गांधी चलाती थी सरकार, वैसे ही अब सुपर सीएम की भूमिका में दिखेंगे केजरीवाल। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा अमेरिका में मेरे बयान पर झूठ फैला रही है बीजेपी, मुझे चुप कराने के लिए झूठ का ले रही है सहारा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया, कहा झूठ बोलना बंद करें राहुल, इंदिरा गांधी की सरकार में सिखों के गुरुद्वारे में जाने पर पाबंदी लगी थी, सिखों से माफी मांगे राहुल गांधी। लखनऊ की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अमेरिका में दिए राहुल के आरक्षण वाले बयान का विरोध जताया। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बयान निंदनीय, माफी नहीं मांगी तो 26 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी का घर घेरने का ऐलान। राहुल गांधी के खिलाफ अजमेर के थाना सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज, बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने दर्ज कराया केस, राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश की छवि धूमिल करने का आरोप। लोहारीडीह कांड के विरोध में कांग्रेस के बंद का व्यापक असर देखा, जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़ सराफा लाइन से लेकर बस स्टैंड, मेन मार्केट पर ज्यादातर दुकानें बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में देवभूमि संघर्ष समिति का प्रदर्शन, वक्फ बोर्ड और घुसपैठियों के विरोध में सलाई में इकट्ठा हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन की मांग। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से पर आज कार्रवाई नहीं, बिना एक्शन लौटी बीएमसी की टीम, मस्जिद कमेटी को 8 दिन का दिया समय, विरोध को देखते हुए बीएमसी ने कार्रवाई के लिए लोगों को 8 दिन का समय दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अमित शाह ने भयंकर कहा, अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ 3 परिवारों की सल्तनत होती, केंद्र में मोदी सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म हुई। जम्मू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हमेशा झूठ बोलती है बीजेपी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की पूरी कोशिश होगी। झारखंड के चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की परिवर्तन सभा, ईटखोरी हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष पर करारा प्रहार किया। राजनीति में वंशवाद पर केंद्रीय मंत्री गडकरी का प्रहार, बोले नेता का बेटा बेटी की का होना वजह से नहीं है, नेता के बेटा बेटी के होने की वजह से काबिलियत पर टिकट ना मिले, जातिवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया भी। हरियाणा में जारी है राजनीतिक ड्रामा, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर बीजेपी में वापस आ गए, कल सुबह रमित कांग्रेस में शामिल हुए थे। करनाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया, सूत्रों के हवाले से खबर है टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रही है सैलजा। सैलजा को खट्टर के ऑफर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा वो हमारी चिंता ना करें, पहले अपना घर संभालें फिर हमारी चिंता करें।
हरियाणा चुनाव में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया प्रचार। रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। आज रात 10:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्वाड बैठक में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में भारी उत्साह है। एक रेस्टोरेंट में तिरंगे की शक्ल में लोगों ने हलवा बनाया है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भी उनकी जगह लेंगे। ये 30 सितंबर 2024 को पद से मुक्त होंगे विवेक राम चौधरी। कर्नाटक के बेलगावी में ईद मिलाद जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा देखा। पुलिस ने फौरन झंडा जब्त कर लिया। शुक्रवार को जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश में कुछ युवक थे। यूपी के जौनपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी सूचना। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कानपुर देहात में आग का तांडव। गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। आसमान में छाए काले धुएं के गुबार देखे लपटों में कई मजदूर झुलस गए। गद्दा फैक्ट्री हादसे के बाद रेस्क्यू में देरी हो रही थी। ग्रामीण भड़क गए। इससे पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस प्रशासन के मुताबिक हादसे के शिकार 7 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों में आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में मोरवा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष नारायण शर्मा की गोली मारकर हत्या। वारदात से नाराज ग्रामीणों ने समस्तीपुर हाजीपुर रोड को घंटों जाम किया। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम आवास पर सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की। नवादा कांड को लेकर डीजीपी से फीडबैक लिया। बैठक में गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में रियासी के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की। यूपी के मेरठ में गो तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। 2 मौके से फरार हो गए। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए। गुजरात में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। वडोदरा के किम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली फिशपेट और चाबियां थोड़ी देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा इसका। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पीपल चौराहे से घंटा घर के बीच अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदार और प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई। हरियाणा के सोनीपत में चेकिंग के दौरान सर्वेलांस टीम ने पकड़ा 50 लाख का कैश। कार सवार कैश की जानकारी नहीं दे पाए। टीम ने आयकर विभाग को सूचना दी। ट्रेजरी में जमा कराया गया कैश। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को मिल रही है लगातार धमकी। फोन कॉल से मिल रही है धमकी। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के साथ बिहार विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव और मंत्री महेश्वर हजारी भी मौजूद रहे। नोएडा में कार सवार ने ओवर ब्रिज पर स्कूटी में टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार युवती ब्रिज के पिलर पर आकर अटक गई। बाल बाल बची युवती की जान। नोएडा में हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। क्रेन लगातार लगाकर युवती का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद ये युवती नीचे उतारी। यूपी के मथुरा में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया। युवक ने नाम बदलकर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर जूनियर डॉक्टर। 42 दिन से आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर थे ये डॉक्टर। फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टरों ने किया है ऐलान। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टरों ने सीबीआई दफ्तर तक मार्च किया। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल से अब सीबीआई उगलवाएगी कोलकाता कांड के सारे राज। कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट बंगाल के बाहर करवाना चाहती है सीबीआई। 23 सितंबर को सियालदह कोर्ट में सुनवाई होगी।
कर्नाटक सरकार का राज्य के मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार ने कहा सभी मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता बनाए रखें। तिरुपति प्रसाद विवाद पर FSSAI ने नोटिस भेजा है AR डेयरी फूड्स को। कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। AR डेयरी ही मंदिर में घी की सप्लाई करता था। प्रसाद में मिलावट पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कड़ा एतराज जताया। कहा जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज, जिहादियों की तरह इन्हें भी जेल भेजे नायडू सरकार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सनातन से खिलवाड़ और प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट करने वालों को मिलना चाहिए मृत्युदंड। बोले मैं भी कई बार तिरुपति मंदिर गया हूं और प्रसाद दिखाया। प्रसाद विवाद पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हिंदू नहीं संतों से रवि किशन की अपील। संतों को योद्धा भी बनने की जरूरत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त। भैरव मंदिर जाने वाले यात्रियों को रोका गया। रास्ते को दुरुस्त करने का काम जारी है। NDRF SDRF DDRF के जवान तैनात। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री सुरेंद्र मेहता के सामने ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बाढ़ में किसी तरह से व्यवस्था ना होने से बाढ़ पीड़ित नाराज। लोगों की थाली पर मौसम की मार पड़ी। गाजियाबाद 60 से 70 रुपए प्रति किलो यहां पर प्याज बिक रहा है। 35 रुपए किलो तक आलू का भाव पहुंच गया है। टमाटर भी और ज्यादा लाल हो गया। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से आम आदमी की थाली का जायका बिगड़ गया है। कानपुर समेत कई शहरों में हरी सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। नदी में नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट घेरा गया है। बिहार के हाजीपुर में नाव हादसे में डूबे 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाव पलटी थी। 10 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से भयंकर तबाही। कई मकान पानी में डूबे। सड़कों पर पानी भरा है। यूपी के प्रयागराज में नदी का जलस्तर कम होने से भी नहीं घट रही है लोगों की मुसीबत। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से छत पर रहने को हैं लोग मजबूर। बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 12 गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम तैनात कर दी गई है।